नोट्स हैं तो उसमें आप बेसिक अच्छा कीजिएगा, एक वक्त दीजिएगा, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का वक्त आपको बेसिक जो बुक्स हैं उन पर खर्च करना चाहिए। कितने घंटे की तैयारी मान के चलते हैं कि मतलब नए स्टूडेंट को देनी चाहिए? मुझे लगता है जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक अलग लेवल की एनर्जी होती है, तो उस वक्त हम 10 से 12 घंटे आसानी से पढ़ सकते हैं, कभी कभी 12 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है, तो उस टाइम पर आप 8 से 10 घंटा भी पढ़ते हैं तो एनअप रहेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के। अच्छा सर, जैसे कि अभी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आप यहाँ से UPSC क्लियर किए, तो आपका कोई विजन इस टाइम है कि मतलब इस सेगमेंट में मैं अच्छा काम करूँगा, किस चीज़ को लेके आप आगे चल रहे हैं? अभी मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले तो जो भी मुझे सर्विस मिलेगी और जो भी मुझे कैडर अलॉट होगा तो वहाँ के लोगों के लिए मैं कार्य करूँ, वहाँ के जो समाज है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ के लिए बेहतरी के लिए उस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए कार्य करूँ। साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि अब क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट बन चुका हूँ तो मेरे जो भी लिंक्स रहेंगे उनका यूज करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का जो भी विकास मैं कर सकता हूँ अपने थ्रू, या जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे बात करके अपने यहाँ के युवाओं के लिए एक बेहतर माहौल बनवा सकूँ, और मैं पर्सनल लेवल पर भी कुछ करना चाहता हूँ ताकि अपना क्षेत्र में कुछ, या तो एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा, अदरवाइज कुछ ऐसा मैं करूँगा ताकि यहाँ के युवाओं के लिए मैं प्लेटफॉर्म तैयार करके दूँ कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं।